दिवलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरासुरेन मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्धिशोरनुक्ता से पाठका सारवा श्रुत्या योग जनैश्चपंच गुरुवा कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिन प्रत्युक्तो व्यर्ग प्रदाह धर्म सुचुचुदाचुदेतमखिलं चैत्यालयं श्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुरवन्तु ते मंगलम कुरवन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादिपार्श्वभुवनख्याता चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसादस्तिपुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। देव्यो स्तुतिदयाधिकादिगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीदङ्कर मातृकाशीदनका यक्षासि यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशतिसुराधिकन्यका चाष्टदा दिक्पाला दश्वैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं। ये सर्वौषधिद्यापसो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित कुशला योषो विदाचारण पंच ज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज सज्जनपते सम्मेद शैलेरताम शेषाणाम विचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्य आरतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मरग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशाल्मलचैत्य साक्षी तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोसवो भगवतां जन्माभिषेकोसवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाक् यः कैवल्यपुरप्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभिः कल्याणानिततानि पञ्चशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसंपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु हृदयस्य शङ्करानामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। अब से प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृद्ध निर्जन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करू नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तन लोल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल का नरबा कुली जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार के निर्भामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समल है प्यूजल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं त्रीं क्लीं ऐं हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करो मी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल का नरबा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण रुक चुका है हे नाथ याप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा।
उदक चंदन तनल पुष्प कही तरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले दिन ग्रह दिनाथ महा मेरे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र से करूँ अभी मैं दीर्घायु तुलशक्त बढ़ी थी ते ओम रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम बम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरसु दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले दिन ग्रह दिनाथ महामिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा दूत का कलश पूर्णनाथ दांक किरणोत्तम कांत धारे दूधोत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तो वांछित प्राप्त कर लूँ ओम रीम त्रीम क्लीम एम हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले दिन ग्रह नाथ महामिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहाय एकत्रित हुई क्या चीर हो दीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अब से करके तो लोग मंगलमय निश्चय के पाऊँ ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह जिनाथ माया मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सु चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेत गुरु नवन में ओम रीम श्रीम क्लीम अमर हम त्रिभुवन पते हे सर्वौषधि अब से कम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह जिनाथ माया मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊँ सिग्नेज के सुचतुषयों को ओम राम रीम रूम रोम राशि नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ महामिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण प्र चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापाप ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम रीम सुमनाः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैतादृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारा दिगम तो भोरोतारयामि इति मंगल आरती अवर्णम उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ महामिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर दिव्य मिलाय लीने गंधामुते नित करूँ अब शेख प्रभु का कबल ज्ञान में आतम ज्योति पाऊँ ओम रीम त्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभ्येज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रह नाथ महामिदे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शांति धारा होगी एक बोली होगी शांति धारा की थाल। जो भी राशि जिनकी भावना हो लिखवा करके शांति धारा कर सकते हैं जबल आदिनाथ भगवान की जय आज की शांति धारा करने का अवसर जिन्हें भी प्राप्त करना हो कोई भी राशि 1111 और किसी की भावना हो 2151 1111 और किसी की भावना है 2121 रुपया 2121 5100 किनके करने शीघ्रता करें 5151 रुपया जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय 5151 रुपया
61 करने किसी की और कुछ भावना है? 5151 रुपया, 1, 2, 2.5, 4, 3 और 5151 रुपया 3 नाम लिख लो। ये सौभाग्य प्राप्त किया है विनोद कुमार जी, मयूर जी गोदा, कहाँ से? इंदौर निवासी। इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, पूरा लिखा दीजिए अभी शांति धारा। और लोग जिनको लिखाने हैं वो 2100 रुपये, 5100 रुपये, 3100, जिनको जो लिखाना हो लिखा लें। आज की शांति धारा में उनके नाम का उच्चारण किया जाएगा। जिनको भी अपने नाम लिखाने हैं कार्यकर्ताओं को अपना नाम लिखा लें। जारी ले लीजिए, ओम नमः सिद्धेभ्या, जारी ले लो भैया। जिनको भी शांति धारा में अपने नाम देने हो हमारे कार्यकर्ताओं को अपने नाम लिखा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्विघ्न विनाशनाय, सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकृत क्षुद्र भद्र विनाशनाय, सर्वक्षाम नाम विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा अरमस्याव नमः। मम चा घड़नी प्रमुख श्री ज्ञानमति मातु सर्वसंगस्य। आज के शांति धारा कर्ता विनोद जी, मयूर जी गोधा, इंदौर निवासी, सपरिवार सुश्री मनीषा जैन, नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन सराप, डॉक्टर वंदना जैन सपरिवार, बड़ौत निवासी सपरिवार, इंजीनियर ध्रुव जैन पौत्र स्वर्गीय श्री मंदरदास जी जैन शालीमार बाग दिल्ली, सपरिवार डॉक्टर श्री अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु मवाना मेरठ उत्तर प्रदेश, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन अतिशय, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराप, आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जे सी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जय चंद कासलीवाल चांदवल नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जी जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन जिंदा जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुनापार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्रबिन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़कपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छावड़ा, दक्षा मायराराम, शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव कांचा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तभ जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन,
गोरखपुर निवासी सा परिवार मनोज जैन श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद्र अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार से परिवार मुंबई श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्वेता जैन सुनीत नमन जैन सी ए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका अजीत कुमार अजमेरा धनलाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी सोगानी जापान वाले जयपुर देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर श्रीमती शैलजा सुधीर जैन बोरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान निवासी सा परिवार सलका नवीन जैन पहलगंज दिल्ली निवासी सा परिवार से सरिता उमेश जैन चावड़ी बिजार दिल्ली निवासी सा परिवार से आज के शांति धारा करता विनोद जी मयूर जी गोदा इंदौर निवासी सा परिवार से अखिलेश जैन टिकैत नगर निवासी सा परिवार से सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम छिंदी बिन बिंदी सर्व मानम छिंदी बिन बिंदी सर्व मायाम छिंदी बिन बिंदी सर्व मोहम छिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम छिंदी बिन बिंदी रागम छिंदी बिन बिंदी सर्वेशम छिंदी बिन बिंदी सर्वगजवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वनिगडादि बंधनवयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम सांप्रदायिक उद्देश्य छिंदी बिन बिंदी शोक व्यायाम छिंदी बिन बिंदी वैराम छिंदी बिन बिंदी वेक्षा छिंदी बिन बिंदी मनोव्याधि छिंदी बिन बिंदी आर्द्र उदर ध्यान छिंदी बिन बिंदी दुर्भाग्य छिंदी बिन बिंदी आयशा छिंदी बिन बिंदी प्रत्यायम छिंदी बिन बिंदी मते छिंदी बिन बिंदी भयम छिंदी बिन सर्व क्रूर ग्रह व्यायाम छिंदी बिन बिंदी दुखम छिंदी बिन बिंदी सर्वाप मृत्यु छिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण सम्मत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित पूजा अवसरे विधिमान शांति धारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पूरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणाम
चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु ज्ञानम कुरु कुरु योग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट गृह दिनन कुलेन कुले कतली गात्मनम गाते गाते उद्रागत रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरु नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रथमाय मस्तकोपरि शांति धारा करोमी स्वा चतुर्वी संगत मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगत। आज के शांति धारा करता विनोद जी मयूर जी गोधा इंदौर निवासी सपरिवार से अखिलेश जैन धर्मपत्नी रोली जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए। मम परिवार से टीवी पर देखने वाले सुनने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसत स्वाहा। पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्तपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र करो तो शांतिम भगवान। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम ये ओम रीम त्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारिता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष भरो चौबीसों त्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मई। ओम नीम शिवेश्वादी वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर भ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम नीम श्री अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदननाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्र भ्यो नरपद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम जम्बुदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में अतिशयकारी भगवान महावीर विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम रीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए गर्ग। ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजीत सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी लोक विराजमान है तीन कम नौ करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए गर्ग समर्पित करें और गंधोदक ले आए। पिजी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारित चंद्र का गणनी प्रमुख आर्का शिरोमणि ज्ञानमती माता जी प्रज्ञाशमणि आर्का श्री चंदनामती माता जी समस्त संघ चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी माता सभी लोग बैठ जाएं सब लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है शाश्वती अयोध्या में दशलक्षण पर्व के शुभ अवसर पर भादो शुक्ला पंचमी से पूर्णिमा तक यानी 8 सितंबर से 17 सितंबर तक शाश्वती अयोध्या में विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। जिन भक्तों के आने की सूचनाएं हमारे कार्यालय में प्राप्त हो चुकी हैं उनके लिए कमरे आरक्षित किए जा रहे हैं और जिन्हें भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है 10 दिन तक विश्व शांति महावीर विधान का अनुष्ठान विधान करना है। पूज्य गणनीय ज्ञानमती माता जी का आरिका चंदनामती माता जी का संघ का सान्निध्य प्राप्त करना है आशीर्वाद प्राप्त करना है प्रवचन प्राप्त करना है। वे अभी से अपनी सूचना दे करके अपने रिजर्वेशन करा लें और कार्यालय पर हमारे कार्यालय पर
जो नंबर पारस चैनल पर चल रहे हैं उन नंबर पर सूचना अवश्य दें ताकि आपके लिए कमरा अभी से आरक्षित किया जा सके। सभी के शुद्ध भोजन की व्यवस्था, दशलक्षण पर्व के अनुरूप शुद्ध भोजन की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएँ पूर्ववत जैसे पिछले वर्षों में रही हैं, चाहे हसनापुर में चाहे मांगी तुंगी में, जहाँ भी दशलक्षण पर्व पूज माता के सानिध्य में आपने मनाया है उसी प्रकार से व्यवस्थाएँ यहाँ पर निर्धारित रहेंगी। हाथ जोड़ लीजिएगा सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शबदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शबदेवाय नमः, ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे, ओम ह्रीं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्रे शबगिरि पर्वतस्य उपरि विराजमान सताष्ट फुटोत्तुंग श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। जहाँ भगवान ऋषभदेव ने तपस्या की, युग की प्रथम दीक्षा धारण करके ध्यान मग्न हुए, ऐसे प्रयाग तीर्थ का वंदन करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय, ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः, ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है। आप सब लोग पूरे देश के अंदर विभिन्न कार्यक्रम मना रहे हैं, उनके लिए मंत्र का उच्चारण करिएगा। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधराय नमः, ओम ह्रीं श्री गौतम गणधराय नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री नेमी सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः, ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। आज भी शारीरिक कमजोरी के कारण पूज्य बड़ी माता जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं। आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि ये प्राचीन निधि हमारे बीच में दीर्घ काल तक चिरंजीवी होकर स्वस्थ होकर विराजमान रहें। तो इस भावना से ओम ह्रीं अरहम अस्या उषा नमः गणिनी ज्ञानमती मातुः आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का भी जाप आप सब कीजिएगा। शीघ्र ही स्वस्थ होकर के और पूज्य माता जी आपके सामने उपस्थित होकर के धर्म लाभ प्रदान करेंगी। तो अब भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में हम सब बैठे हुए हैं। कल आपने भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक मनाया, हजारों हजार लोगों ने सम्मेध शिखर पर्वत पर जाकर स्वर्णभद्र कूट पर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण लाडू चढ़ाया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नगर नगर मंदिर मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ का लड्डू चढ़ाया गया और सम्मेध शिखर की रचनाएं भी बनाई गईं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भी सुंदर सम्मेध शिखर की रचना बनाकर उसमें भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान करके निर्वाण लाडू का कार्यक्रम आयोजित हुआ और पूरे दिन तक सभी मंदिरों में पूज्य माता जी ने स्वयं अपना सानिध्य दे करके निर्वाण लाडू चढ़वाया, संपन्न किया, निर्वाण कल्याणक की क्रिया आदि संपन्न हुई। कैसे भगवान निर्वाण को प्राप्त करते हैं तपस्या करके और अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं, इस
अवस्था को जानने के लिए और अपने जीवन के अंदर भी क्रमशः प्राप्त करने के लिए कुछ ध्यान की साधना कीजिएगा। मैं समझती हूँ कि जैन समाज का शायद ही कोई बच्चा हो जिसने सम्यक शिखर का दर्शन ना किया हो। आप सबने भी किया है ना। कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई। ये अयोध्या और सम्यक शिखर इन दो शाश्वत तीर्थों के लिए ही ये पंक्तियाँ हमारे आचार्यों ने दी हैं। अयोध्या में आकर अपना जन्म सफल होता है, सम्यक शिखर में जाकर भव्यत्व की पहचान होती है और नरक तिर्यंच गति टल जाती है, देव गति प्राप्त होती है। तो ऐसे उस सम्यक शिखर के पर्वत का आज ध्यान के माध्यम से आपको स्मरण करना है और ध्यान के माध्यम से पहुंच जाना है स्वर्णभद्र कूट पर। प्रारंभ करती हूँ थोड़ी सी ध्यान की साधना। बाह्यम तपः परम दुश्चर्माचरंस्त्व माध्यात्मिकस्य तपसः परिब्रह्मणार्थं ध्यानं निरस्य खलु सद्वयमुत्तरेऽस्मिन् ध्यानद्वयैव प्रतिशेतसयोपपन्ने। अब आत्माओं, चार प्रकार के ध्यान कहे हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बाह्य तप को करके अंतरंग में आध्यात्मिक तप की वृद्धि के लिए जो ध्यान किया जाता है उससे आर्त रौद्र ध्यान से छूटकर मानव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान तक पहुंचता है। वर्तमान में पंचम काल है, मन एकदम चंचल है, ऐसे समय में शुक्ल ध्यान की स्थिति कभी भी नहीं बनती। लेकिन धर्म ध्यान को एक चरम सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो बैठ जाइएगा ध्यान की साधना के लिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में, जिससे बने पद्मासन में बैठ जाएं। पहले बायां पैर दाहिने पैर की जांग पर, पुनः दाहिना पैर बाएं पैर की जांग पर। हो सकता है ये कठिन पड़े तो केवल अर्ध पद्मासन में बैठिए, बाएं पैर की जांग पर दाहिना पैर रख करके। ये अर्ध पद्मासन कहलाता है। और यदि इसमें भी नहीं बैठ सकते तो आप जैसे बैठे एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर हो जाएं, गैप कर लें और सामने मुख करके सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाएं, एक दूसरे की ऊर्जा किसी में प्रवेश ना करे। और बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली रखकर भगवान की तरह बैठ जाइएगा। जैसे अपने भगवान बैठते हैं बिल्कुल स्थिर मुद्रा में, शरीर बिल्कुल सीधा रखें, ना अकड़न हो और ना आगे की ओर झुका हुआ हो। आँखें कोमलता से बंद कर लीजिए, नींद नहीं आनी चाहिए। केवल नासाग्र दृष्टि रख सकें तो अपने नाक की नोक पर अपनी दृष्टि रहे, वरना कोमलता से बंद कर लें। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का 10 मिनट तक के लिए त्याग कर दीजिए। बहुत सुंदर शुभ परिणति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और अब ध्यान से पूर्व छोटे से गीत का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु मैं अपने आत्म में ऐसा रम जाऊं, हे प्रभु मैं अपने आत्म संसार के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, संसार के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। हे प्रभु मैं अपने आत्म में ऐसा रम जाऊं, हे प्रभु मैं अपने आत्म में ऐसा रम जाऊं। संकल्प विकल्पों का ये सागर संसार है,
संकल्प विकल्पों का ये सागर संसार है। सागर की तरंगों से मैं अब ऊपर उठ जाऊं, सागर की तरंगों से अब मैं ऊपर उठ जाऊं, हे प्रभु मैं अपने आत्म में ऐसा रम जाऊं, हे प्रभु मैं अपने आत्म में ऐसा रम जाऊं। आत्मरमण की भावना के साथ अब तीन बार सामूहिक रूप में ओम का उच्चारण कीजिएगा। ध्यान रहे कि ओम के उच्चारण के साथ अपने नाभि स्थान पर ध्यान रखें। यहाँ से उठता हुआ एक नाद कंठ तक जाएगा, तब तक आपके होंठों में स्पेस रहेगा। कंठ से ऊपर म का उच्चारण करते हुए नाक के पास आने तक स्पेस कम हो जाएगा। पुनः दोनों होंठ बंद करके म को अपने मस्तक के ब्रह्म भाग तक ले जाएंगे। ये है ओम का नाद, जिसे तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के रूप में उच्चारण करते हैं। सभी लोग मेरे साथ सामूहिक रूप में ओम का नाद करेंगे। मंद मंद मुस्कान रहे और डीप ब्रीदिंग अर्थात गहरे लंबे श्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान के सूत्र पद का उच्चारण कीजिएगा। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूप परमानंद स्वरूपो हम, चिन्मय ज्योति स्वरूपो हम, चिन्मय ज्योति स्वरूपो हम। अर्थात मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मेरा आत्मा शुद्ध बुद्धि चिदानंद चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के समान है। निश्चय न से मैं भी भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार के चिंतन के साथ श्वास को लंबा रखेंगे और मंद मंद मुस्कान के साथ अपने जीवन का प्राकृतिक आनंद लेते हुए आप सम्मेलित शिखर सिद्ध क्षेत्र में पहुँच गए। भावों से ही सम्मेलित शिखर पहुँच जाएं और पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ करें। एक महान अनादिकालीन शाश्वत तीर्थ है, तीर्थराज सम्मेद शिखर है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र जग में एक बार जो करें वंदना वह भी पुण्यवान सच में। ऊंचा पर्वत पार्श्वनाथ हिल नाम से जाना जाता है, जिन शासन का सबसे पावन तीर्थ माना जाता है। परम पावन शाश्वत तीर्थ की वंदना करते करते चोपड़ा कुंड पर पहुँचे।
वहाँ के जिन मंदिर में विराजमान भगवंतों को नमन करते हुए आगे इस कुंड से दाहिनी ओर की ओर चलते हैं। पुनः गौतम गणधर की टोंक आती है, वहाँ नमन करते हुए भगवान कुंथुनाथ की टोंक से आगे बढ़ते हुए क्रम क्रम से पर्वत की वंदना करें और चंदा प्रभु भगवान की एक ऊंची टोंक पर पहुंच करके काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन पूरी यात्रा करने का चूंकि भाव रहता है भगवान चंदा प्रभु से शक्ति लीजिए, चरणों में नमन कीजिए भावों से आगे चलना शुरू करें। धीरे धीरे एक ऊंची टोक अजितनाथ भगवान की आती है, वहाँ भी बड़ी श्रद्धा के साथ पैरों में थकान है, मन में उत्साह है, पुण्य अर्जन का भाव है। वहाँ से उतरकर भगवान नेमिनाथ की टोंक का वंदन करें और अब अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु भगवान पार्श्वनाथ के स्वर्ण भद्रकूट पर चलना है। बड़े सुंदर पुण्यमयी क्षण हैं जब पूरे पर्वत की वंदना करके अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है और भगवान पार्श्वनाथ के टोंक की सीढ़ियों को पार करके हाथ की झोली में चावल हैं, कोई कोई एक हाथ में डंडा रखते हैं सहारे के लिए, कैसे भी करके पहुंच गए पार्श्वनाथ टोंक पर। मंदिर में प्रवेश कीजिए निस्सही निस्सही निस्सही, सारी थकान दूर हो गई भगवान पार्श्वनाथ के टोंक पर पहुंच करके। सुंदर चरण विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ के, उन चरणों की परिक्रमा कीजिए, तीन परिक्रमा। भगवान पार्श्वनाथ ने हमारी मेहनत सार्थक कर दी, पर्वत की वंदना करके भगवान पार्श्वनाथ की इन चरणों की तीन परिक्रमा करके आप अपने मस्तक को भगवान के चरणों में रख दीजिए। भावात्मक वंदना चल रही है, भगवान पार्श्वनाथ हमें शक्ति दें, भगवान पार्श्वनाथ मेरे मन मस्तिष्क को पवित्र पावन बनाएं। इस भावना से अब बैठ करके पंचांग नमस्कार करेंगे, भावों से ही दो घुटने दोनों हाथ जोड़कर और नीचे मस्तक झुकाकर उसमें लगाकर इन पांचों अंगों से किया गया नमस्कार पंचांग नमस्कार कहलाता है। हे प्रभु, मेरा अंग अंग रोम रोम पवित्र हो जाए, बलशाली हो जाए, आपके समान ध्यान और तपस्या करने की मेरे अंदर शक्ति आ जाए, एकदम शरीर और आत्मा को भिन्न समझते हुए कुछ क्षणों के लिए पार्श्वनाथ के चरणों में तन्मय हो जाएं, मगन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। भगवान और मेरे में अब कोई अंतर नहीं रहा है, जो मैं हूँ वो है भगवान, वही भगवान है। मेरे आत्मा के अंदर भी पार्श्वनाथ के समान भगवान आत्मा विराजमान है। अभी व्यवहार से हम संसार में हैं, भगवान मुक्त हो गए ये अंतर है, इसलिए उसी अंतर को समाप्त करने के लिए इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना चल रही है।
नमन करते हुए ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। भगवान के चरणों में एकदम तन्मय होकर प्रसन्न मुख प्रसन्न आत्मा के साथ डीप ब्रीदिंग करते हुए गहरा लंबा सांस भरते हुए महामंत्र नमोकार का स्मरण करें। नमो अरिहंताणम का मन में उच्चारण करते हुए गहरा लंबा सांस भरिए। नमो सिद्धाणम का उच्चारण करते हुए धीमे धीमे सांस को छोड़ें। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, होंठ बंद रहेंगे। सांस भरते समय पेट फूलना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर जाए अर्थात पिचक जाएगा। नमो आयरणम के साथ गहरा लंबा सांस भरें, पेट फूल जाएगा। नमो वज्झाणम बोलते हुए सांस को छोड़ें, पेट पिचक जाएगा। नमो लोए बोलते हुए सांस भरें, सव साहुणम बोलते हुए सांस को छोड़ें। ये एक नमोकार मंत्र में तीन बार दीर्घ श्वास उच्छ्वास लिया, क्षण भर के लिए ऐसे गहरे लंबे सांस भरते हुए स्माइली फेस के साथ भगवान के चरणों में एकदम प्रसन्न मुद्रा से देखें, अंतर्दृष्टि से देखें पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए आंखें खोलें और सामने की ओर हथेली मिलाएं। दोनों हथेली को मिला करके देखिएगा, हाथ की रेखाओं में अर्धचंद्राकार सिद्धशिला बन जाती है। ऐसी सिद्धशिला पर भगवान पार्श्वनाथ एवं अनंतानंद सिद्ध भगवान विराजमान हैं। उन सब को नमन करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, तीन आवर्त एक शिरोन्नति करके भगवान पार्श्वनाथ सहित स्वर्णभद्र कूट को, समीर शिखर गिरिराज को और सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंद सिद्ध परमात्माओं को नमन करें और उच्चारण करेंगे। हे भगवन सम्मेद शिखर का, हे भगवन सम्मेद शिखर का, पुनः पुनः दर्शन पाऊं, पुनः पुनः दर्शन पाऊं, यही भावना है मन में, यही भावना है मन में, सिद्धों के गुण में रम जाऊं, सिद्धों के गुण में रम जाऊं, इसी क्षेत्र से कभी मुझे, इसी क्षेत्र से कभी मुझे निर्वाण प्राप्त भी हो जावे, निर्वाण नाम भी मिल जावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था दिलवाए, सिद्ध अवस्था दिलवावे, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में, सिद्ध भक्ति मेरे जीवन में सिद्ध अवस्था।